स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने? ए सत्यजीत रे, बी अनुराग कश्यप, सी पायल कपाड़िया, डी मीरा नायर। आंसर सी पायल कपाड़िया। एक्सप्लेनेशन: फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी। कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइफ ने ग्रैंड प्रिक्स जीता, जो पाल्मे डी ओर के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार था, जो अनुराग के लिए अमेरिकी निर्देशक सीन बेकर को पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न। 26 मई 2024 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले जिम्नास्ट कौन बने? ए दीपा कर्माकर, बी साइना नेहवाल, सी पीवी सिंधु, डी मैरी कॉम। आंसर ए दीपा कर्माकर। एक्सप्लेनेशन: दीपा कर्माकर ने 26 मई 2024 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के पोल वॉल्ट फाइनल में 13.566 के औसत स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। अगला प्रश्न। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? ए चिली, बी अर्जेंटीना, सी ब्राजील, डी स्पेन। आंसर डी स्पेन। एक्सप्लेनेशन: स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए देशों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास के तहत भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विचार की कल्पना की थी। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य बन सकते। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश का बाजार पूंजीकरण $5 ट्रिलियन तक पहुँचा है? ए ब्राजील, बी बोलिविया, सी भारत, डी इटली। आंसर सी भारत। एक्सप्लेनेशन: घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद मंगलवार को एक बड़ा रिकॉर्ड बना। BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण MCAP पहली बार $5 ट्रिलियन 5 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये देश की बढ़ती आर्थिक ताकत को दिखाता है। अगला प्रश्न। बंगाल की खाड़ी में 2024 के पहले प्री मानसून चक्रवात का क्या नाम है जो 26 मई 2024 को टकराया? ए चक्रवात वेमल, बी चक्रवात यास, सी चक्रवात अम्फान, डी चक्रवात फानी। आंसर ए चक्रवात वेमल। एक्सप्लेनेशन: चक्रवात वेमल बंगाल की खाड़ी में 2024 का पहला प्री मानसून चक्रवात है। चक्रवात वेमल 26 मई 2024 की रात 8:30 बजे पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मुंडला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। लैंडफॉल 4 घंटे तक चला। इस दौरान तूफान ने बहुत तबाही मचाई। बंगाल में 6 और बांग्लादेश में 10 लोगों की मौत हो गई। वेमल अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। इसे ये नाम ओमान से मिला है।